तो कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम झमाझम ना? आज हमारे पास दो झमाझम लोग आए हुए हैं और ये दोनों ही हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं सीए इंटर। इन्होंने विद्या से ही किया था और अभी ये मेरे पास एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सीए साहब बन के आए हैं। इसमें से एक हैं शिखा जैन, ऑल इंडिया रैंक 2, किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है इनको, आजकल सेलिब्रिटी हैं ये तो। क्या बोलते हैं शिखा, एकदम जबरदस्त माहौल, सब जगह आप ही आप है यूट्यूब पर। और सेकंड नंबर पे हमारे साथ सुमांश अग्रवाल जी, ये भी हमारे सीए इंटर के स्टूडेंट्स रहे हैं और अभी इन्होंने सीए फाइनल में ऑल इंडिया 47th रैंक सिक्योर की है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है फाइनली? नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से इंटर में भी रैंक ही एक्सपेक्ट करता था और आप लोगों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। भले ही आपको नहीं पता हो, लेकिन आप दोनों शुरू से डिजर्व करते थे कि आपकी हमेशा रैंक आए। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि सीमांश के सीए इंटरमीडिएट में 550 मार्क्स के आसपास आए थे और शिखा के 582 मार्क्स आए थे और शिखा इंदौर की टॉपर भी थी उस समय। तो आज ये दोनों हमारे सामने हैं, रिजल्ट आया, मैंने कहा भाई सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी इनका इंटरव्यू लेके थोड़ा बहुत तो फुटेज ले ही लूं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आ जाओ भाई, एक बार जरा मिलके बात करते हैं और ऐसी कुछ बात करते हैं जो आपने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में नहीं की थी, सबसे इम्पोर्टेंट। तो यार शिखा और सीमांश, आप दोनों पहले एक बार ये बताओ कि यार सीए फाइनल में जब हम आते हैं तो मेरा ये मानना है कि सीए फाइनल में कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने की प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग पूरे 3 साल की होती है। हालांकि अब न्यू सिलेबस आ रहा है और उसमें आर्टिफिशियल 2 साल की है प्लस 6 महीने आपको कूलिंग पीरियड स्टडी के लिए, तो लगभग वही 2.5 साल हो गया। तो ये जो प्लानिंग होती है, चाहे आप रैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोधरू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम इसमें शुरू से प्लानिंग होती है तो ही आप कुछ अच्छा कर पाते हैं, अदरवाइज फिर वो एक एक ग्रुप में ही कुछ संतोष करना पड़ता है। क्या बोलते हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे ही आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई और उसके 1 महीने में ही आपने जो प्लान बना लिया कि किस सब्जेक्ट को कितने कितने टाइम में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 6 महीने आपके हाथ में होने ही चाहिए, वरना बहुत आउट ऑफ द हैंड चीजें फील होने लग जाती है। तो प्लानिंग फर्स्ट डे से कि एक लेक्चर देखना है, एक लेक्चर देखे बिना नहीं सोना है, नींद ही नहीं आनी चाहिए, वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही सीमांश जी। सिलेबस बहुत वास्ट है, फाइनल का सिलेबस इतना है कि आप जैसे माना इंटरव्यू पेपर्स, पेपर नंबर ऑफ पेपर सेम है, लेकिन जो फाइनल का लेवल और उसके हिसाब से जो सिलेबस का कंटेंट है वो ऐसा है कि अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं करा तो आप इन द एंड फिर आपको आपके ग्रुप्स के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि यार मैं अभी इतना ही प्रिपेयर करूँ फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करूंगा। तो अगर वही चीज मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से प्लान कर ली कि मुझे इतने मंथ्स में मुझे ये क्लास मेरी कंप्लीट करनी है, मुझे इतने मंथ्स इस सब्जेक्ट को देना है, सो वो बहुत बेनिफिट करेगा जब मैं खुद की सेल्फ स्टडी के एग्जाम लीव पर रहूंगा तब। ओके, बिल्कुल सही है। तो जो पहली बार डिस्कशन में आई वो ये है कि जो लोग भी अभी सीए इंटरमीडिएट के पेपर्स क्लियर किए हैं और अभी अभी फाइनल में आए हैं या आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अभी से ही प्लानिंग करना पड़ेगी, क्योंकि प्लानिंग अगर प्रॉपरली हो गई तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। अब दूसरी बात जो मुझे आप लोगों से पूछना थी वो यही थी कि पेपर्स में जब आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन कैसे करें? अच्छा, आपको मैं बता दूं कि न्यू सिलेबस में 6 ही सब्जेक्ट हैं, उसमें भी सिर्फ एक थ्योरी है ऑडिट, बाकी सारे प्रैक्टिकल हैं, और एक मल्टीडिसिप्लिनरी है जिसमें बट ऑब्वियस जब आपको सारे सब्जेक्ट्स का एकदम थॉरली नॉलेज होगा तभी आप उसको कुछ अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से क्या प्लानिंग होना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करना चाहिए और कैसे कैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, बताएं सीमांश जी, इस बार आपसे शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट की आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी चाहिए जिसमें मोस्टली वो सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स नहीं रहते, जैसे बीइंग डीटीआईडीटी वो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो नियर द अटेम्प्ट दे, अटेम्प्ट उसकी क्लासेस ले, वो सही भी रहता है। सो आपको जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो बीइंग ग्रुप 1 के जो पेपर्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर जो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल पेपर है और इसमें चेंज भी नहीं होते हैं ज्यादा, उसमें क्योंकि इंडेस है, बच्चे को वही पढ़ना है, बहुत हार्डली पिछले 3-4 सालों में अगर देखें तो शायद 10 मिनट भी नहीं होंगे, तो मतलब और वो ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आप एफआर से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। शिखा आप क्या बोलते हैं? सेम जैसा हमारे भी सीनियर्स ने बोला था, एफआर से स्टार्ट करो, एसएफएम से स्टार्ट करो, देन मूव ऑन टू थ्योरी, और फिर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जिसमें है वो करना चाहिए, डीटी एंड आईडीटी। डीटी एंड आईडीटी तो सबसे लास्ट में हमको डीटी और आईडीटी की ही प्लानिंग करना होगी। ऐसा मान लें कि अगर आपका पेपर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आ रहा है तो आपको 25-26 की पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा पहले करेंगे तो आपका असेसमेंट ईयर कोई और होगा जिसके अप्लाई कर रहे होंगे, और अमेंडमेंट भी फ्रीक्वेंटली आते हैं
जीएसटी में बहुत फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट आते हैं, तो आप जितने अपडेटेड रहेंगे, जितना आपका एग्जाम और आपकी क्लासेस के बीच क्या कम रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। थियरी के लिए क्या करना चाहिए, ऑल्दो एक रिलैक्सेशन वाली बात यह है कि थियरी सिर्फ एक ही रह गई है एंड दैट इज ऑडिट। तो ऑडिट कितने पहले पढ़ना चाहिए एग्जाम के, शिखा से शुरू करते हैं। ऑडिट अराउंड 9 to 10 मंथ्स पहले एग्जाम के पढ़ना चाहिए। मैंने ऑडिट 9 to 10 मंथ्स पहले पढ़ा था। ओके। और एग्जाम लीग्स में पूरा पूरे 4-5 महीने ऑडिट पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रिप नहीं बनेगी जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। ओके। भले ही एक सब्जेक्ट बचा हो पर वो एक सब्जेक्ट ही बहुत वास्ट है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सीमांश आप क्या कहोगे इस बारे में? सर, ऑडिट बीइंग अ टेक्निकल पेपर, और वो ऐसा पेपर है जिसमें आईसी एक्सपेक्ट्स की आपकी एक्सपर्टीज हो, बिकॉज़ सीए बनने वाले आप। यस, एक कोर फील्ड है, तो आईसी आपको टेस्ट भी उस पेपर में करता है आईसी, तो आपको प्रिपेयर भी वैसे ही रहना रहेगा। और ऑडिट पेपर ऐसे जिससे बच्चे मोस्टली फियर करते हैं, मेरा भी सर ऑडिट से फियर था, क्योंकि यू कैन नॉट रिमेम्बर द प्रोविजन, क्योंकि मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको वही लिखना है पेपर में जो आईसी डिमांड करता है। एंड उसके लिए और उसकी प्रॉपरली कॉपी बना लेते हैं और उसको टाइम टाइम पर रिवाइज करते हैं। शिखा ने बोला था कि वो क्लास कंप्लीट करने के बाद से लेके एग्जाम तक रोज ऑडिट को थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही है। क्योंकि ऑडिट ऐसा है कि अगर आपने आज पढ़ लिया और 3 महीने बाद पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस जीरो पे आ गए, तो आपको उसके साथ लगातार बने रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपकी आर्टिकलशिप आप अच्छे से कर रहे हैं तो क्या ऑडिट के पेपर में आपकी आर्टिकलशिप आपको सपोर्ट करती है? Definitely. या आर्टिकलशिप एक पूरी अलग दुनिया है रियल लाइफ, और पेपर जो किताबों में लिखा है वो एक अलग दुनिया है, या इन दोनों में समानता है? सर, कुछ समानता रहती है डेफिनेटली। आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस हेल्प करता है एग्जाम्स में, जैसे बीइंग टैक्स ऑडिट की प्रोविजंस, कारों की रिपोर्टिंग, ये एग्जाम्स में अनडाउटली आती है, और इस पे आपने ऑफिस में काम किया भी है, सो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे मुझे भी जो कारण 2020 है हमारी एग्जाम्स में जो आया था, तो उसकी ऑफिस में मुझे एक अच्छी प्रिपरेशन थी, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता ही है, जो आप सीखते हो प्रैक्टिकल जो सीखते हो उसका बेनिफिट मिला। ओके, शिखा आप क्या बोलते हैं? जैसा कि इसको कारों में मिला, मुझे टैक्स ऑडिट में मिला। टैक्स ऑडिट इतने फाइल की है कि उसका हर क्लॉज याद हो गया, तो 5-10 क्या बात है, उसके 5-10 मार्क्स आपके हैंड में होते हैं। बहुत सिमिलैरिटी है। सीए का कोर्स ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल एकदम अलग थ्योरी एकदम अलग, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। जितना ज्यादा काम सीखेंगे उतना समझ में आएगा कि वो काम कैसे आया है, वो काम उसी थ्योरी उसी कॉन्सेप्ट से आया है जो हम अब कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप आर्टिकलशिप को बहुत सिंसियरली करते हैं तो वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी, नॉट इवन ऑडिट, नॉट इवन डीटी आईडीटी भी। आप अगर एक अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो वहां पर इंडेक्स के एप्लीकेशंस आपके काम आएंगे, है ना? तो डेफिनेटली आर्टिकलशिप आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, बहुत सिंसियरिटी के साथ आपको आर्टिकलशिप करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में होता है कि हमको सीए बनना है पढ़कर, जबकि आपको मैं बता दूं कि सीए अगर आर्टिकलशिप अच्छी कर रहा है तो वो डेफिनेटली पोस्ट क्वालिफिकेशन का जो एरा होगा उसमें आर्टिकलशिप आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो बैलेंस करना है, पढ़ाई भी करना है, वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर डिग्री नहीं मिली और नॉलेज बहुत सारा हो गया तो ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे जिनको 40-50 हज़ार रुपये की भी सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन अगर सिर्फ डिग्री मिल गई और नॉलेज नहीं है तो भी यही होता है कि आपको 40-50 हज़ार से ज्यादा का ऑफर नहीं आएगा, तो ये बैलेंस होना चाहिए। चलिए, बैलेंस के नाम पे एक बात अच्छी याद आ गई, आर्टिकलशिप और क्लासेस एक साथ कैसे बैलेंस होती है, क्योंकि ये बहुत मतलब बड़ा काम है कि आप आर्टिकलशिप पे 8-9 घंटे भी दे रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। बताइए शिखा, आपसे शुरू करते हैं। सर, इसका एक ही आंसर है, डिसिप्लिन। आपने सोचा है कि आपको एक लेक्चर देखना है तो मतलब देखना ही है। आप आर्टिकलशिप से 8-9-10 बजे कितनी भी बजे आए, आप उसको 3 घंटे एक लेक्चर निकालिए, देखिए, सुबह देखिए, शाम को देखिए, बस वो एक लेक्चर देखे बिना नहीं सोना है। और आर्टिकलशिप में इंजॉयमेंट भी उतनी करनी है, काम भी उतना करना है, और सब मैनेज हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा मैनेज। ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं। बाकी सीमांश आप क्या बोलते हैं? सर, मेरा व्यू पॉइंट इसमें ही रहेगा कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसी कभी नहीं रह पाती है, क्योंकि इतना ऑफिस का प्रेशर रहता है, आप कभी कभी रहता है कि ऑफिस की वजह से नहीं देख पाए, तो ऐसा ही नहीं है कि वो 365 डेज वो चीज आपको प्रॉब्लम में देगी। तो जिस टाइम आपके पास ऑफिस में इतना वर्क प्रेशर नहीं है उस टाइम आप आपका उसका एडवांटेज लीजिए, उसको स्टडीज में बेनिफिट दीजिए, और जब ऑफिस में डेडलाइन रहती है तब आपको पहले से प्रिपेयर करना है कि हाँ, मैं इस टाइम पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है, मैं उसका बेनिफिट उसको कंपनसेट करने के लिए मैं जब मेरे पास इतना काम नहीं रहेगा, हाँ, कम काम होगा, हाँ, प्रेशर कम होगा, जब मेरे पास काम कम रहेगा तब मैं उसका बेनिफिट लेके उस टाइम अच्छे से प्रिपेयर करके ज्यादा क्लासेस कर सकता हूँ। अच्छा,
आर्टिकलशिप के साथ सिर्फ एक क्लास या दो क्लास, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप के साथ एक सुबह क्लास रखी एक शाम को रखी, तो क्या वो मैनेज हो पाता है या एक क्लास लेना ही ठीक है? क्योंकि अब आर्टिकलशिप 2 साल की है प्लस 6 महीने उनको सेल्फ प्रिपरेशन के चाहिए और उसके तुरंत बाद वो एग्जाम देगा, तो 6 महीने तो अपन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए रखते हैं, क्योंकि 6 महीने में ही आप कम से कम 4 रिवीजन प्लान कर पाएंगे, है ना? तो अब 2 साल में अगर आपको अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो एक क्लास में लगभग कितना, 3 से 4 महीने लगते हैं? हाँ, 3 to 4 months. तो मतलब अगर हम आर्टिकलशिप के साथ एक क्लास कर रहे हैं, सिर्फ एक कर रहे हैं, तो पहले 4 महीने, अगले 4 महीने, अगले 4 महीने, यानी 1 साल में 3 क्लास हो गए, सेकेंड ईयर में फिर से 3 हो गई, और सेकेंड ईयर में हमको रखना कौन सी है, DT, IDT और ऑडिट. तो पहले जो ईयर है आपके आर्टिकलशिप का उसमें हम लोग रखेंगे क्या, FR और FM. मल्टीडिसिप्लिनरी में तो क्लासेस की कोई जरूरत होगी नहीं, ये सारे 5 सब्जेक्ट को जब आपने पूरा एकदम घोंट के अच्छे से अप्लाई कर लिया तो शायद वो पेपर अपने आप आपको निकल जाएगा, है ना? तो मतलब फर्स्ट ईयर में 2 भी क्लास करें तो चलेगा, क्योंकि अब आपके पास सेकंड ईयर में 3 क्लास करने का टाइम होगा. क्या बोलते हैं, ये ठीक है? हाँ, सही है सर की बात से एकदम एग्री करता हूँ. टू द पॉइंट, जो न्यू कोर्स का बेनिफिट है कि जो 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे मेरी क्लासेस के, तो 2 ईयर्स के पीरियड में अच्छे से उस पर ग्रिप ले सकते हैं. अच्छा, डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज आप लोगों के जीवन में आई? अच्छा, ये जो सब दिख रहा है ना उतना सीधा है नहीं है, ये पक्का मान के चलना, मैं उसको 4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो सीमांश और शिखा, डिस्ट्रैक्शन तो आते हैं, और आपको बता दूं, ऐसा नहीं बोला कि आप थोड़े से ज्यादा एज के हो गए, लेकिन नाउडेज हम जिन बच्चों को डील कर रहे हैं इंटर में, वो आपसे भी एक लेयर एडवांस है. पहले हम लोग बोलते थे कि 10 साल में जनरेशन चेंज होती है, माइंडसेट चेंज होता है, फिर हम बोलने लगे थे कि 5 साल में होता है, आजकल हर साल और हर 2 साल में पूरा माइंडसेट ही चेंज हो रहा है. तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे, आते तो होंगे डेफिनेटली, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सर, जैसे डिस्ट्रैक्शन आया तो वो ऐसा नहीं कि आप एकदम से सोचो कि नहीं मुझे नहीं, इस तरह मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा और मैं वापस से स्टडीज में लग जाता हूं. वो डिस्ट्रैक्शन आता है क्योंकि मैसेज आया, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं सर जाना तो पड़ेगा, बट ऑब्वियस है ना. नहीं सर, वैसा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आया. अच्छा, वैसा नहीं है. जैसे मुझे डिस्ट्रैक्शन आया था एग्जाम लीव के टाइम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड. ओह, मैं स्टॉक मार्केट में ज्यादा एंगेज होने लग गया, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा जाने लग गया, तो फिर मुझे थोड़े टाइम बाद खुद ही रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कुछ मंथ्स बाद एग्जाम्स है, हाँ. मुझे वो देना है, ये चीज तो मैं एग्जाम के बाद भी कर सकता हूँ. हाँ, तो क्योंकि मार्केट तो जब मैंने देखा था 7,000 रुपए था, 7,500 रुपए, और आगे शायद जब आप 3-4 साल बाद देखोगे तो 1 लाख पे होगा, उसके बाद उसे 1.5 लाख पे होगा. ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आप जब भी उसमें एंटर करोगे तब अपॉर्चुनिटी आपके लिए. ओके शिखा, आपके साथ क्या डिस्ट्रैक्शन रहे, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो एक चीज, और उसको कैसे ओवरकम किया, मतलब उसको कैसे फेस किया, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है. मेरे लिए भी स्टॉक मार्केट डिस्ट्रैक्शन था कि हर आधा घंटा में खोल खोल के देखना कि कितना बड़ा है, मेरा लॉस कितना है, पोर्टफोलियो कैसा है. और इसके लिए तो मैंने डायरेक्ट जो मेरे फोन पे ऐप थे वो डिलीट कर दिया है. सेकेंड डिस्ट्रैक्शन वही इंस्टाग्राम रील्स, एक बार स्टार्ट किया आधा घंटा गया. हाँ, कभी पता नहीं पता मुझे भी अभी मैंने थोड़े बहुत बीच में देखना शुरू किया, मुझे समझ में आ गया कि बहुत खतरनाक चीज है. तो जब मैं अगर एक देखा और उसके बाद अगला और उसके बाद पता नहीं कब तक आधा घंटा पौन घंटा खत्म हो गया, तो बच्चों के साथ तो क्या होता होगा. तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. और एक बात आप प्लीज समझिएगा कि एक टाइम में आप या तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप कोई और कुछ काम कर सकते हैं. तो अभी आपकी लाइफ की प्रायोरिटी पढ़ाई है और शायद यही इनको भी रियलाइज हुआ. शेयर मार्केट में अभी करना चाहिए क्या, मतलब ये आर्टिकलशिप के दौरान शेयर मार्केट जैसी चीजों में एंगेज होना चाहिए क्या? क्योंकि मैं एक बार एंगेज हुआ था पढ़ाने के दौरान, तो फिर ये होता था कि हर आधे घंटे में एक बार चेक कर लो, अच्छा भाव बढ़े कि नहीं बढ़े, बेचना भी नहीं है तो भी बस चेक कर लो, एक मन में आता था. तो मेरी पढ़ाने की क्वालिटी में मुझे फील होने लगा कि यार कमी आ गई है. तो आप लोगों की पढ़ने की क्वालिटी में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता होगा. तो ये 2 साल जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जब आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मार्केट वगैरह में जाना चाहिए क्या? नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन जाना चाहिए क्या, मतलब प्रैक्टिकल करना चाहिए क्या? सर, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए. okay. तो मतलब बिल्कुल सही बोलते हैं, जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे. okay. और ये 2 साल हम आउटर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, मतलब हम जाते ही इसलिए कि हम सीखे. Actually. और जो स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस लर्निंग देता है वो करेक्ट एज है कि हम उस एक्सपीरियंस और लर्निंग को फेस करना है, क्योंकि आगे तो हमें इन्वेस्ट करना है. अभी गलतियां करेंगे, इन्वेस्ट भी कम करेंगे तो अभी उतना ही लॉस होगा, आगे के लिए बहुत हेल्पफुल है. जितना इनको बहुत अच्छे अच्छे पैकेज ऑफर हो रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रही है, है ना? सीमांश, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि स्टॉक मार्केट या जो भी नॉलेज है, किसी की मर्चेंट बैंकिंग में बहुत अच्छी वो है तो वो बिल्कुल करे, लेकिन
कंट्रोल मैनर में, कुछ टैब लगा लगे अपन कि भाई मुझे इसमें एक घंटे से ज्यादा कभी नहीं देना है पर डे, ये सही रहता है क्या? सही हमको एक चीज फिक्स तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो मुझे ऐसी चीजें जो एंडलेस है, जितनी चाहे समय आप दे सकते हैं उतना चला जाएगा इसमें, है ना। अच्छा मैंने आपसे फाइनल की बहुत सारी बातें कर ली, मेरे बहुत सारे बच्चे इंटर के भी हैं, तो इंटर में भी सीमांश और शिखा ने बहुत जबरदस्त मार्क्स निकाले थे, तो इंटर के बच्चों के लिए आपको क्या गाइडेंस देना है? अच्छा इंटर में भी न्यू सिलेबस में 6 सब्जेक्ट है और अकाउंट्स एडवांस दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है, EIS चला गया है, सबसे अच्छी बात है ना, इको फाइनेंस भी चला गया है, तो ऐसे 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो उस समय जब ये पढ़ते थे तो इनको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे और 9 महीने 8 सब्जेक्ट, एक्चुअली मुझे लगता था कि फाइनेंस से ज्यादा मुश्किल और मैनेज करना इंटरमीडिएट है, क्योंकि 5.5-6 महीने तो आप क्लास कर रहे हैं, 10 घंटे 8.5 घंटे 9 घंटे क्लास कर रहे हैं, टाइम बहुत कम बचता था, मैनेज कैसे करते थे आप इंटर की क्लासेस और इंटर का पूरा वो 9 मंथ्स का सफर? सर क्लासेस के लिए तो क्लासेस एकदम रेगुलर थे सर, क्या यहाँ विद्युत आते थे तो ऐसा नहीं था कि बस आने के क्लासेस आ रहे हैं, बस मुझे जो भी मेरा शेड्यूल है वो कंप्लीट करा, उसके बाद जो आज का टारगेट था खुद के कुछ ना कुछ बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतना सिलेबस ज्यादा था और टाइम कम था, टाइम 5-6 मंथ्स के हिसाब से आपका सिलेबस बहुत है, तो जो खुद का टारगेट बनाया था कि यार आज ऑडिट का एक ही ये 2 क्वेश्चंस मुझे लिख के प्रैक्टिस करने हैं, तो घर आके वो कुछ भी खाना खा के या खाना खाने से पहले कुछ ना कुछ वो करना ही जरूरी पड़ता था। हाँ, इवन मंत्री सर भी हमेशा बोलते रहे थे कि ऑडिट में मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसको लिखो, अगले दिन लाओ, चेक कराओ, जहां जहां गलती है वो मैं आपको ठीक करके देता जाऊंगा, उससे डेफिनेटली बहुत अंतर पड़ता है ऑडिट में, खासतौर से थ्योरी के सब्जेक्ट में, चाहे फिर वो लॉ हो चाहे वो ऑडिट हो। बिल्कुल शिखा आप क्या बोलते हैं? मैंने भी यहाँ मतलब ये कोचिंग का टाइम खत्म होने के बाद खुद का कुछ प्लान या खुद की शेड्यूलिंग करी थी कि इतना टाइम इसको देना है आगे, और जो पढ़ा है वो रेगुलर रिवीजन करना है इंटर में, मैंने ऐसा ही करा है कि जो पढ़ा है वो मैं आके रेगुलर रिवाइज करा करती थी, और एंड के जो 2 महीने थे उसमें मॉड्यूल पे बहुत फोकस करा है कि मॉड्यूल के क्या क्वेश्चंस हैं, बाकी एक्स्ट्रा सब मैं पहले ही कर चुकी थी अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ, तो उसके बाद मैंने मॉड्यूल पे फोकस करा एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। इवन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि मतलब इस बार क्या, इवन नवंबर 22 में भी हम लोगों ने अपने पूरे बच्चों को रिवीजन प्लान बना के दिया, 15 अगस्त से लेके 2 नवंबर तक उनके पास पूरा एक डिटेल शेड्यूल था, क्योंकि हम लोग क्या फील करते थे कि बच्चा क्लास कर लिया, अब पढ़ना कैसे, रिवीजन कैसे करना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, कुछ पता ही नहीं होता, तो आधे लोग अच्छी प्लानिंग कर लेते तो आधे लोग नहीं कर पाते, तो हमने बकायदा उनको 3 रिवीजन के पूरे शेड्यूल बना के दिए, सुबह क्या पढ़ना है उसका आधे घंटे के पूरा ग्लिम्स वीडियो बना के दिया कि पहले ये सुनो उसके बाद आप रिवीजन करो, क्वेश्चन कौन से करना है RTP के MTP के मॉड्यूल के वो बकायदा टिक लगा के दिए, और रोज रात को जूम पर बैठते थे कि चलो आज जो पढ़ा उसके डाउट्स सॉल्व करके बताओ। तो हम लोग ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं नवंबर 22 में, इस बार जो हम लोगों ने नवंबर 23 के लिए बैच स्टार्ट किया है उसमें 4 रिवीजन का ऑलरेडी प्लान बना के रखा हुआ है, और बकायदा रोज शाम को 6-12 बजे तक जूम सेशन लेते हैं, जो आपके टाइम पे नहीं होता था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वी यूज्ड टू ट्रैवल इंदौर भोपाल, क्योंकि इस समय भोपाल ब्रांच हम लोगों ने स्टार्ट की थी। बाकी अब आप लोगों के फाइनल के बाद अब तो CA बन चुके हैं, अब क्या प्लान है शादी के अलावा? नहीं खैर मुझे पता है शादी की कोई प्लान नहीं है इनके, अभी इनको बहुत अच्छा कुछ करना है और बहुत प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को भी, थोड़ा बहुत हमको भी, मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ, मतलब जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया उस दिन मैंने स्टेटस डाला कि यस आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड एंड प्राउड कि शिखा को मैंने इंटर में पढ़ाया था। अच्छा CA इंटर का जो बेस बनाया था वो कुछ काम आया फाइनल में या नहीं आया? सर बहुत हेल्प कर रहा है, पूरा ही वही काम आया है, ऐसा क्या दिल रखने के लिए बोल रहे हैं? नहीं 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 सर, बिल्कुल काम आया, बिल्कुल पूरा, मतलब इंटर में भी बहुत अच्छा बेस बनाना जरूरी है अगर आपको फाइनल में कुछ अच्छा करना है तो। अच्छा इम्पोर्टेंट बात भूल गए, प्लान क्या है आगे के, कैसे क्या प्लान करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? सर अभी शॉर्ट टर्म इनिशियल प्लान तो जॉब का है, ओके, ICA के कैंपस जो रहते हैं उसमें इंटरव्यूज के लिए अपीयर करके, फिर उसके लॉन्ग टर्म अभी एस सच लॉन्ग टर्म का नहीं सोचा हुआ है। ओके हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और अच्छे प्लान्स है ना? शिखा के मेरा भी लॉन्ग टर्म प्लान तो यही है कि मुझे UPSC या CAT देनी है, okay, और शॉर्ट टर्म में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि उसे मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती। नहीं, और नॉलेज का हाँ कोई बुराई नहीं है, आप अभी 22 साल के बच्चे हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, खूब टाइम है अभी अपने पास, बिल्कुल बहुत अच्छे से इस टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको प्रॉपरली ग्रैब करना,
अभी भी कॉर्पोरेट्स में जॉब जाए तो कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा सीखें, क्योंकि ये जो एज है ना आपकी, इसमें आपने जितना सीख लिया अभी आप जितना चाहे अपना एफर्ट्स भी दे सकते हैं, आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। उस टाइम के बाद मतलब आप 30s के बाद आप सिर्फ इसको एनकैश करें, मतलब सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ये है। बाकी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और खूब अच्छा करें, खूब सारे आशीर्वाद आपके लिए। सो थैंक यू शिखा, थैंक यू शिमांश। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो सीए के एस्पिरेंट्स हैं उनको इस पॉडकास्ट से कुछ अच्छी इंसाइट्स प्राप्त हुई होंगी, कुछ वैल्यू क्रिएशन किया होगा। विश हम यही करते हैं कि ऐसे ही हम और बहुत सारे बच्चों को पॉडकास्ट में बुलाएं, उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद और खूब सारी विशेष कि आप बहुत आगे बढ़ें, अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स का नाम ऐसे ही रोशन करें। थैंक यू सुमांश, थैंक यू शिखा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट, जस्ट वर्क हार्ड एंड लक विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। या थैंक यू सो मच।